ऊंचे पर्वत बैठी मैया, सच्चा है दरबार, मैया जी का आया बुलावा, हो जाओ तैयार। जयकारा माँ शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, मैं आपका होस्ट सचिन शर्मा आप सबको एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ जी श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र भूमि कटरा में। देख सकते हैं जी, इस समय हम कटरा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जी। अपना 6 घंटे का सफ़र तय करके जलंधर से इस समय हम कटरा में पहुँच गए हैं, और इसी वीडियो के साथ मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ जी मार्च का अपडेट। आपको देंगे संपूर्ण जानकारी श्री माता वैष्णो जी की यात्रा के बारे में, और वीडियो में अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हमारे साथ है जी हमारे छोटे भाई दीपांशु शर्मा जी। जय माता दी। और जी देख सकते हैं दोपहर है इस समय, आज हम अपनी यात्रा दोपहर में ही शुरू करने वाले हैं। जस्ट अभी रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे, अपनी चेकिंग करवा के अपना RFID कार्ड कलेक्ट करेंगे, और आपको देंगे कुछ नए अपडेट्स जो कि इम्प्लीमेंट हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की इस पवित्र यात्रा पर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आप सबको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जयकारा माँ शेरावाली जी दा बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। महामाई माता वैष्णो देवी जी जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत के उच्च शिखर पर विराजमान है, जहां तक श्रद्धालु महामाई के दर्शन पाने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले कटरा आना होता है। कटरा तक आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं, और सबसे नजदीकी हवाई अड्डा आपको जम्मू का पड़ेगा। कटरा आकर आप सबसे पहले अपना यात्रा पंजीकरण करवाइए। यात्रा कार्ड आपको कटरा में कुल 5 जगह से मिल जाएगा, कटरा बस स्टैंड, त्रिकुटा भवन, सेरली हेलीपैड या फिर ताराकोट मार्ग से। लेकिन अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे ले रहे हैं तो आपको RFID कार्ड, यात्रा कार्ड निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट्स आराम से मिल जाती है। अगर आप कटरा में रुकना चाहें तो आपको कटरा में प्राइवेट होटल 500 से 800 रुपए में मिल जाएगा, या फिर आप श्राइन बोर्ड के बनाए हुए निहारिका कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसमें आपको हर व्यक्ति के 150 रुपए देने होंगे। इसके अलावा आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में भोजनालय की सुविधा भी मिल जाती है। निहारिका कॉम्प्लेक्स के सिद्धिदात्री भोजनालय में आप 175 रुपए का बुफे भी इंजॉय कर सकते हैं। यूं तो कटरा के रेलवे स्टेशन पर IRCTC का बहुत ही सुंदर लाउंज बना हुआ है, लेकिन अब आपको कटरा के रेलवे स्टेशन पर एक और नया रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। कटरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड या बाणगंगा तक आप ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेकर जा सकते हैं, जिसमें बस स्टैंड तक जाने के लिए आपको 160 रुपए और बाणगंगा तक जाने के लिए आपको 260 रुपए का शुल्क देना होगा। दोस्तों, कटरा में आपकी सिम नहीं चलेगी, तो अगर आप यहां आकर सिम लेना चाहे तो आपको एयरटेल या जियो की सुविधा मिल जाएगी। सिम का शुल्क 300 से 350 रुपए तक रहेगा, और अगर बात करें तो आपको भवन पर जियो का नेटवर्क बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। लंच करके जी इस समय हम पहुंच गया कटरा के फेमस फवारा चौक पर, जहां से आपको त्रिकुटा पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं जी। अब जल्दी से चलकर अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं जी सामने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा, जो कि बस स्टैंड वाला है, यहां से अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं और फिर यात्रा शुरू करते हैं। RFID कार्ड ले लिया जी, देख सकते हैं आप सभी। फाइनली दोस्तों, पूरे 4:30 बजे हम इस समय पहुंच गए दर्शनी द्वार पर, और यहां पर चेकिंग करवाकर चेक पोस्ट पर अपनी यात्रा करेंगे शुरू। चार बज के 40 मिनट, फ्रिस्किंग पॉइंट कर लिया जी क्रॉस, और अब करेंगे अपनी यात्रा शुरू। जय माता दी। तो जी यात्रा शुरू करने से पहले जयकारा लगाना तो बहुत जरूरी है। जयकारा माँ शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। चलिए जी, मैया रानी का नाम लेकर अपने आज की यात्रा ही करते हैं शुरुआत। देख सकते हैं जी यात्रा पर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे यात्रियों की संख्या इस समय क्या चल रही है। आपको ज़्यादातर यात्रा मार्ग खाली दिखाई दे रहा होगा, तो समझ लीजिए अभी के लिए होली से पहले जो यात्रा है वो नॉमिनल सी चलने वाली है यात्रियों की, और आपको मौसम के बारे में भी अपडेट दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का पहला पड़ाव
माता श्री बाणगंगा जी। अगर मान्यता अनुसार आप सबको बताया जाए तो हनुमान जी के आग्रह करने पर जब माता वैष्णो देवी जी ने पहाड़ों पे अपना बाण चलाकर गंगा जी को प्रकट किया था, तब हनुमान जी ने यही गंगा जल पीकर अपनी प्यास बुझाई थी और इसका दूसरा नाम है बाल गंगा जी। बाल गंगा जी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है माता श्री वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केश धोए थे, अपने बाल धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसीलिए जब भी आप माता श्री वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आ रहे हैं तो बाण गंगा या फिर बाल गंगा जी का आशीर्वाद लेकर ही अपनी यात्रा में आगे प्रस्थान करें। देख सकते हैं इस समय आपको यहाँ पर वाटर लेवल बहुत कम दिखाई दे रहा होगा। ये है जी पहला घाट बाण गंगा जी का स्नान करने के लिए। लेकिन अगर आप दूसरे घाट पर जाते हो जो कि गीता मंदिर के पास है, वहाँ पर आपको वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, जहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हो। जय माता दी, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। देखिए जी दोस्तों, ये है दूसरा बाथिंग घाट। ये पावन धरा भी बाण गंगा ही कहलाती है, जो कि उच्च शिखरों से होते हुए नीचे की ओर जा रही है जी। देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान करने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। आप सामने नहा सकते हैं इस बाथिंग घाट में। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाएंगे, लेडीज़ के इस साइड और जेंट्स के सामने है, देख पा रहे होंगे आप सभी। और यहाँ से आपको दर्शन करवाते हैं माँ अर्धकुंवारी जी के। वो टॉप पे आप देख सकते हैं जी, वो शिखर पे माँ अर्धकुंवारी जी का भवन है, जहाँ पर जाने में हमें तकरीबन अभी भी 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। जय माता दी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जी समय हम पहुंच गए हैं गीता भवन में। जय माता दी। गीता मंदिर और गीता भवन क्रॉस कर लिया है, कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे मंदिर श्री चरण पादुका। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको मौसम का मुआयना देना चाहूँगा कि अगर आप सुबह 7 बजे के बाद यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक आपको यात्रा मार्ग पर गर्मी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी यात्रा शुरू करोगे शाम को 6 बजे के बाद या सुबह 6 बजे से पहले, तो आपको यात्रा रूट पर ठंड देखने को मिल सकती है और भवन पर भी आपको ठंड ज़रूर मिलेगी। एक घंटे बाद जी हम आप पहुंचे हैं मंदिर श्री चरण पादुका में। देख सकते हैं जी मंदिर श्री चरण पादुका एवं इसका इतिहास। इस स्थान पर रुककर महाशक्ति श्री माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं या नहीं। रुकने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों के चिन्ह बन गए, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। इस स्थान पर माथा टेकने से महाशक्ति जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। हर बार की तरह चरण पादुका क्रॉस करते ही एक बार फिर से सीढ़ियों का मार्ग हमने पकड़ लिया है और बढ़ेंगे अब अर्धकुंवारी की तरफ। अभी अभी जस्ट अपडेट रिसीव हुआ है कि जो रोपवे बनना था यात्रियों के लिए कटरा से सांझी छत तक, उसका आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और 1 घंटे में 3000 यात्री ताराकोट से लेके सांझी छत तक केवल 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और एक बार में कुल 50 केबल कार चलने वाली है इस 2.5 किलोमीटर लंबे रोपवे वाले रूट पर। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यात्रा करते करते अचानक से मैं किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने लग गया हूं, लेकिन जो लोग श्राइन बोर्ड के अपडेट से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा कि रिसेंटली कुछ समय पहले श्राइन बोर्ड के द्वारा दावा किया गया था कि यात्रियों के लिए रोपवे बनाया जा रहा है कटरा से सांझी छत तक के लिए, तो वो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और एक बार में 3000 यात्री 1 घंटे में यात्रा करके 10 मिनट में ऊपर पहुंच पाएंगे सांझी छत तक। फिर सांझी छत से 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंचेंगे माता रानी के पवित्र भवन पर। जय माता दी। इस बार का जो माता रानी का बुलावा है वो मुझे काफी लेट प्राप्त हुआ। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर्स, जो अपनी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको पता होगा कि रिसेंटली मैं देवघर गया था श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो यात्रा हमें अधूरी छोड़कर ही आनी पड़ी। उस वीडियो में भी मैंने रीज़न स्पष्ट नहीं किया था आप सबके सामने कि क्या रीज़न हुआ, किस रीज़न के कारण मुझे वो यात्रा अधूरी छोड़कर जानी पड़ी।
लेकिन मैंने बताया था कि फैमिली इमरजेंसी आ चुकी है, तो विद अ हैवी हर्ट मेरे जो प्रिय दादी माँ जी है वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और इसी के कारण वो यात्रा भी बीच में छोड़कर हम वापस घर पर आ गए, और पिछले जो कुछ दिन थे वो ऐसे ही डगमगा के चल रहे थे। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अंधकार के बीच में भोले बाबा जी ने हाथ बढ़ाया अपना, भोले बाबा का बुलावा आया मेरे को कैलाश मानसरोवर से। सारे विधि विधान करके, सारी पूजा अर्चना जो भी घर पे होना था, हवन पूजन होना था, सब करके घर के बड़ों से परमिशन लेकर मैं कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा पर गया। बहुत ही पावन दर्शन दिए भोले बाबा ने, और वो वीडियो तो आपको चैनल पर संडे को देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस सारे वाक्य से कुछ जो सीख मेरे को मिली है वो ये है कि चार दिन की यार ज़िंदगी है, हंस खेल के व्यतीत कर लेनी चाहिए। कोई भी दिल में गीला शिकवा रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से प्यार बना कर रखिए आपस में, और पता नहीं कब अपने भी ये जो सांस है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और कमेंट सेक्शन में एक बार दादी माँ जी के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा, महामाई उनकी आत्मा को शांति दे, बस मैं तो यही मनोकामना करता हूँ। आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से शाम के 6:30 बजते ही जी माँ भगवती की पवित्र आरती शुरू हो गई है, और सभी श्रद्धालु माता रानी जी की पवित्र आरती को सुनते हुए सारे रूट पर जो स्पीकर लगे हुए हैं इस समय उन सभी स्पीकर्स में माता रानी जी की आरती चलाई जाती है, ताकि सारे श्रद्धालु आरती का अनुभव और आनंद प्राप्त कर पाए। बैक ऑन दी ट्रैक अगेन, कुछ ही समय रह गया जी अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, 15-20 मिनट अगर कंटिन्यूसली चल पड़े। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि श्राइन बोर्ड के द्वारा हर सुविधा के रेट जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो आप सामने काउंटर्स देख सकते हैं, ऐसे प्रीपेड काउंटर्स आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। तो आप प्रीपेड काउंटर पर जब पर्ची कटवाते हैं, जो भी आप सुविधा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसे दिया कीजिए, जितने की भी पर्ची कटती है। तो काफ़ी श्रद्धालु बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जितने की आपकी पर्ची कट रही है आप उसके हिसाब से ही उस सुविधा के पैसे दें। इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन पॉइंट पर देख सकते हैं ये नीचे वाला मार्ग आ रहा है जी बाणगंगा से, जहाँ से आप चरण पादुका क्रॉस करके अर्धकुंवारी पर पहुँचते हैं ये वाला टर्न लेकर। लेकिन अगर आप बैटरी कार वाला नया रास्ता ढूंढ रहे हैं तो वो रास्ता है जी ये सामने वाला हिमकोटी मार्ग, जहाँ पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिलने वाली है। और ये रास्ता छोटा भी है अगर आप पैदल भी जाना चाहें इस रास्ते से, जो कि अर्धकुंवारी से होकर साजिशा से होकर जाता है। तो सबके लिए सजेशन यही रहता है कि अगर आप यात्रा में आ रहे हैं तो आप यहाँ से ये वाला टर्न लेकर आगे भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं और वापस आते हुए अर्धकुंवारी में दर्शन कर सकते हैं। ये है बैटरी कार वाला काउंटर, जहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन टिकट दिखाकर अपना पास प्राप्त कर सकते हैं बैटरी कार में बैठने के लिए, या फिर इस लाइन में ऑफलाइन लाइन में लगकर आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं बैटरी कार की। जो बैटरी कार का फेयर होने वाला है हिमकोटी रूट से भवन तक वो होने वाला है जी 354 रुपये। देख सकते हैं 10 बजे रात में काउंटर खुलेगा अब एक बार फिर से, और जो लाइन है वो तकरीबन 8:30 बजे बननी शुरू हो जाएंगी। शाम के 7:30 बज गए हैं और फाइनली इस समय हम पहुंच गया जी अर्धकुंवारी में। इस समय मैं खड़ा हूँ अर्धकुंवारी के व्यू पॉइंट पर और आपको दृश्य दिखाते हैं जी, कटरा का बहुत ही भव्य दृश्य दिखाते हैं। देखिए जी यह है कटरा का रात्रि दृश्य जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे कैमरा के थ्रू, जो कि आप सब देख पा रहे हैं और कटरा शहर को निहार पा रहे हैं अर्धकुंवारी से। जय माता दी। अर्धकुंवारी पहुंच गया फाइनली, देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत से ढाबे देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर आपको खाने की बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। मैकडी भी है यहाँ पर प्राइवेट, यहाँ पर आप भोजनालय भी देख सकते हैं, सागर रत्ना भी है, और
श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आपको ये सामने बिल्डिंग में देखने को मिल जाएगा। ये देखो जी, हमारे भाई आए हैं मेरठ से, जो कि हमें अर्थकुआरी में मिले हैं। क्या हाल है भैया? नमस्ते जी, जय माता दी सचिन भैया। कैसी चल रही है यात्रा? बहुत अच्छी चल रही है भैया, बहुत अच्छी चल रही है। आपकी वीडियो देख के मन खुश होता है, माता जल्दी जल्दी बुलाए। आपकी इतनी वीडियो देखता हूँ ना मैं, बहुत ज्यादा इतनी वीडियो, आपकी वीडियो में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो। और मैं बहुत देर से भी खाना मतलब ब्रेड पकौड़े खाते सोच रहा कि सचिन भैया ये सचिन भैया, मगर लग ही नहीं रहा। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, सचिन भैया जय माता दी। मिलके मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। बाकी हम भी इस बार बहुत लेट आए हैं, वैसे तो हर हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में यात्रा कर लेते हैं। अच्छा सचिन भैया, मैं भी आपकी तरह हर महीने। अच्छा ओ क्या बात है, ये तो माता रानी की कृपा है, हर महीने बुलावा आता है। और दर्शन हो गए? अच्छा आप दर्शन, आप पटियाला से दर्शन करने जा रहे हैं? अच्छा चलो कोई नहीं, भवन पे मिलते हैं। और बताइए सब बढ़िया? कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक यात्रा का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो जी जय माता दी। अर्धकुंवारी में आपको मेजर बदलाव देखने को मिल रहा होगा। जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर वो तोड़ दी गई हैं, यहाँ पर कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और जो सामने गर्भजून परिचय कक्ष था वो भी बंद कर दिया गया है, साथ में ब्लैंकेट स्टोर था वो भी बंद कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर आपको कुछ ये सब दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये जल्दी से जल्दी कुछ नया बनाएंगे। अब जो नया गर्भजून पर्ची कक्ष है वो आपको बताते हैं सबसे पहले कहाँ पर है। आप सामने देख पा रहे होंगे कि ऊपर लगी है बहुत लंबी लाइन, यहाँ से आपको जाना है आगे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर, आपको पर्ची कक्ष भी मिल जाएगा और साथ ही साथ ब्लैंकेट स्टोर भी मिल जाएगा। अब यहाँ से काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने हिमकोटी रूट पर जाना होता है, क्योंकि हिमकोटी मार्ग से यात्रा होती है आसान, तो वो सब यात्री सामने वाली छोटी सी टनल से होकर हिमकोटी रास्ते पर पहुंच सकते हैं, या फिर कुछ श्रद्धालु होते हैं जिन्होंने सांझी छत और हाथीमथे से होकर पहुंचना होता है माता रानी के भवन से, वो ले सकते हैं जी ये वाला मार्ग। सांझी छत वाला डिफिकल्ट है, हालांकि हिमकोटी वाला जो रास्ता है वो है जी आसान। और आपको बता दें 24 घंटे की इस समय वेटिंग चल रही है जी गर्भजून गुफा में, और ग्रुप नंबर चल रहा है इस समय 270। देख पा रहे होंगे आप भव्य दृश्य अर्धकुंवारी से अभी के लिए, और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। काफ़ी श्रद्धालु होते हैं जिन्होंने अर्धकुंवारी में आकर स्टे करना होता है, क्योंकि अर्धकुंवारी में पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं की आधी यात्रा होती है संपन्न। तो देख सकते हैं सामने दो आपको धर्मशालाएं देखने को मिल जाएगी, जिसमें एक का नाम है भगवती भवन, और ये सारा भवन जो है ये निःशुल्क है यात्रियों के लिए, पहले आए पहले पाए वाली सुविधा है। यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, अंदर आप ब्लैंकेट बिछाकर आराम से सो सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर डोरमेट्री लेना चाहें तो भगवती भवन के जस्ट बैक साइड में आपको शैलपुत्री भवन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप 150 रुपये का डोरमेट्री ले सकते हैं। ये देखिए जी अर्धकुंवारी में आज के महामाई के शाम के दर्शन हो रहे हैं जी, देख पा रहे होंगे आप दिव्य दर्शन माँ वैष्णो देवी जी के। जय माता दी, जय श्री राम। ये है सामने माँ अर्धकुंवारी जी का मंदिर। अगर आपके पास गुफा में जाने का समय नहीं है तो आप मंदिर के अंदर जाकर दर्शन प्राप्त करके आ सकते हैं। कई कई बार तो गुफा के बाहर से भी दर्शन करवाए जाते हैं बिना किसी वेटिंग के। और मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर जाना मना है, तो आपको आपका सारा बैग जूते वगैरह सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर ही जमा करवा कर जानी पड़ेगी। जय जय माता दी, जयकारे लग रहे हैं जी। अब इस गुफा से होकर हम बढ़ने वाले हैं हिमकोटी वाले रास्ते पर, और रात होते होते ये सारी जगह भी हो जाती है फुल पैक, और श्रद्धालु इस रास्ते पर भी सो रहे होते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है। मैं इस समय आया हूँ अर्धकुंवारी से ऊपर वाले रास्ते से, जो कि आगे हिमकोटी को जा रहा है। जिस रास्ते पर इस समय मैं हूँ ये भी हिमकोटी वाला रास्ता है, जो कि पीछे से आ रहा है जी, जहाँ से बैटरी कार्स चलती है। और ये जो आप नीचे वाला रास्ता देख रहे हो ये आ रहा है जी ताराकोट से। तो समझ लो ये तीन कनेक्शन पॉइंट्स है जो कि यहाँ पर हिमकोटी पे मिल रहे हैं और जा रहे हैं सीधा भवन की ओर। काफ़ी लोग होते हैं जो कि नया रास्ता लेना प्रेफर करते हैं ताराकोट वाला, देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप श्राइन बोर्ड का भंडारा भी ग्रहण करना चाहो नए रास्ते पर, तो वो आपको 4.2 किलोमीटर दूर पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ से भवन की अगर बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ से हम लेंगे मुश्किल से 1.5 घंटा और पहुँच जाएंगे माता रानी जी के पवित्र भवन पर, और पाएंगे देवी माँ के दर्शन। जय माता दी। यात्रा बहुत स्मूथ चल रही है जी अभी तक। ये बोल रहा था कि इसको अर्धकुंवारी से पहले हल्की हल्की घबराहट हो रही थी, तो अर्धकुंवारी में पहुंचकर हमने जमकर पेट पूजा की है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब बढ़ चुके हैं डोसा पॉइंट की तरफ, डोसा पॉइंट करते हुए पहुंचेंगे माता रानी जी के पवित्र भवन पर।
जोर से बोलो जय माता दी। ये जो आप वॉल्स देख रहे हो बनी हुई है, ये बनाई जाती है जी लैंडस्लाइड रोकने के लिए। ऊपर होते हैं जी कच्चे पहाड़ देख सकते हैं, ऊपर बहुत बड़े बड़े नेट्स लगे हुए हैं। तो इस रूट पर यूजुअली बहुत लैंडस्लाइड हुआ करती थी, तो उसे देख सकते हो एक परमानेंट सोल्यूशन किया गया है, यहाँ पर वॉल बना दी गई है। रात होते होते जी ठंड बढ़ गई है, सभी ने अपनी कैप्स वगैरह निकाल लिया, शॉल्स वगैरह निकाल लिया लेडीज़ ने। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी बारिश का सीज़न आया नहीं है, फिर भी भवन पर किसी भी टाइम अनएक्सपेक्टेडली रेन शुरू हो सकती है। तो ये जो आगे के समझ लीजिए 2-3 हफ्तों बाद अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं, अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कीजिएगा ताकि भवन पर पहुंचकर आपको दिक्कत ना हो। होली के बाद आपको फुल क्राउड मिलने वाला है भवन पे, तो अगर आप अपनी यात्रा आप माता रानी के दर्शन प्लान कर रहे हैं होली के बाद, तो थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होके आइएगा भवन पर, अपनी बुकिंग्स करवा के आइएगा रहने की, अगर आपका रहने का प्लान है। अदरवाइज़ अगर आप अप डाउन करना चाहते हैं दर्शन करके, तो वही कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करके दोपहर तक दर्शन करके वापस आप शाम तक कटरा पहुंच जाए। जय माता दी। 8:45 और इस समय हम पहुंच गए हैं हिमकोटी भोजनालय और हिमकोटी डोसा पॉइंट के पास। देख सकते हैं जी सामने है हिमकोटी डोसा पॉइंट, और इधर है हमारा छोटा भाई जिसकी हो चुकी है बस, थक चुका है बेचारा, जस्ट पूछ रहा है कि कितनी देर में हम पहुंचेंगे भवन पर। और ये भी एक मेजर होल्ट होता है श्रद्धालुओं के लिए जो कि यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, जलपान ग्रहण करते हैं। डोसा पॉइंट यहाँ का बहुत ही मशहूर है, यहाँ पर आपको अगर बात की जाए तो भोजनालय में भी आपको खाने पीने की बहुत सारी सुविधा मिल जाती है, और यहाँ से अगर बात की जाए तो भवन रह जाता है तकरीबन 3 किलोमीटर। जय माता दी। तो इस बार का टास्क होने वाला है कि भवन पर स्टे करना है, नाइट में हमारी कोई भी बुकिंग नहीं है। वैसे अगर नाइट स्टे का प्लान होता है किसी ना किसी तरह मैं बुकिंग करवा के आता हूँ, लेकिन इस बार बुकिंग नहीं है, साथ में भाई भी है, तो थोड़ा सा कंफर्ट देखना पड़ेगा इसका भी। और भवन पर पहुँचेंगे, देखेंगे क्या अपडेट है। वैसे तो मेरे को सुनने में ये आया है कि भीड़ कम है भवन पर तो स्टे मिल सकता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं भवन पे पहुंच के क्या बनेगा। इस बार छोटी सी गलती ये हो गई कि मेरे से कि मैंने कटरा से जब यात्रा शुरू की उससे पहले मैंने निहारिका में डोरमेट्री का नहीं पता किया, लेकिन आज निहारिका में ऑफलाइन डोरमेट्री अवेलेबल थे। मेरे कुछ दोस्त जो कि दिल्ली से आए हैं वो मेरे को दोपहर में मिले थे, और उन्होंने बताया कि सचिन भाई आज हमने निहारिका से ऑफलाइन डोरमेट्री ले लिया क्योंकि आज अवेलेबिलिटी थी। तो उस टाइम तक मैं दर्शनी द्वार पे पहुंच गया था, फिर उसके बाद मैंने यात्रा शुरू कर दी, सोचा ऊपर पहुंच के देखेंगे क्या बनेगा। तो अभी सबसे पहले हम दर्शन करने से पहले अपने रहने का बंदोबस्त करेंगे, जो भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा, और आपको बताएंगे कि अगर आप भी ऑफलाइन बुकिंग लेना चाहें भवन पर तो आपको क्या चीज़ें करनी होगी, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बोलो सच्चे दरबार की जय। भवन दिखाई देता हुआ जी, पहली झलक दिखाई देती हुई भवन की, जय माता दी। बहुत ही सुंदर दिख रहा है माँ का भवन। 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से, ये ऊपर से जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये आ रहा है जी रास्ता सांझी छत से, और यहाँ से हम अब रास्ता पकड़ के पहुँचने वाले भवन पे। जय माता दी। कैसा है जी हालचाल, कैसे है? ठीक है। बंदा शर्मा रहा है अपना कैमरे पे। तो ये हल्का सा रूट होने वाला है 1 किलोमीटर का, भवन पे पहुँचने वाले बहुत ही जल्दी, बढ़ते हैं आगे। तो जी 5 घंटे और 10 मिनट की यात्रा करके हम पहुंच गए जी फाइनली भवन पर। 4:30 पे अपनी यात्रा शुरू की थी और अब हो गया जी 9:40, फाइनली भवन पर पहुंच गए हैं। जल्दी से अपना रहने का बंदोबस्त करते हैं और फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। जय माता दी। अभी का अपडेट ये है कि फ़िलहाल डोरमेट्री लेने गए थे ऑफलाइन, अभी मिला नहीं है, उन्होंने मेरा नाम लिख लिया, फिर भी बोला है कि थोड़ी देर वेट करो, कुछ रिजर्व बेड्स हैं जो कि अगर ना चढ़े तो आपको दे दिए जाएंगे। तो ट्राई करेंगे, पहले दर्शन कराए, थोड़ा सा टाइम अपना यूज़ करते हैं, खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद एक बार फिर से भवन में चक्कर लगाएंगे और ट्राई करेंगे फिर वापस बेड लेने का। जय जय माता दी। तो जी रात के इस समय देख रहे हो आप क्या टाइम हो रहा है, 12 बजने वाले हैं कुछ ही समय में।
इस टाइम डिनर करने आए हैं, दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी के लिए भवन पे मतलब जो दर्शनों की लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जो रहने का बंदोबस्त है अभी तक हुआ नहीं है। तो दुर्गा भवन मेरा नाम उन्होंने नोट डाउन किया है, मेरे को बोला कि आप 12:30-1 बजे तक आना, तो आपको ट्राई करेंगे डॉर्मेट्री देने का। तब से इधर उधर ही भटक रहे हैं, और ये भी बेचारा साथ में भटक रहा है मेरे, इतने सालों बाद आया है और सोच रहा होगा कि रहने का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ अभी तक, और बस अपना खाना चल रहा है। खाना खाते हैं थोड़ी देर में, फिर वापस जाएंगे दुर्गा भवन में, देखते हैं क्या सब बनता है क्या नहीं, या फिर अगर अब भी ना बना तो फिर हम धर्मशाला में लेट जाएंगे ब्लैंकेट्स लेके और सुबह की आरती अटेंड करेंगे। से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जी ये देख रहे हो दुर्गा भवन के डोरमेट्री की स्लिप आ गई है हाथ में, 107 नंबर रूम में 1 और 3 नंबर बेड है जी। कहते हैं जब सिर पे माता रानी का हाथ हो तो किसी बात की चिंता करनी नहीं चाहिए, बस वैसा ही हुआ है। माता रानी पे छोड़ दिया था, खाना खाने बैठ गए थे हम आराम से, और फाइनली अब आकर यहाँ पर हमें डोरमेट्री मिल गया, वो भी ऑफलाइन। तीन चार घंटे क्या, 12:30 तो बज गए हैं, और वो 3.5 घंटे आराम करेंगे, सुबह 4 बजे उठ के नहाएंगे धोएंगे फ्रेशन अप होएंगे, और उसके बाद फिर आरती अटेंड करेंगे वो भी फ्री वाली। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी अगर यात्रा पर आ रहे हैं और फ्री में अटका आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि आपको कितने बजे लाइन में लगना पड़ेगा फ्री में अटका आरती ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, जय माता दी। लगभग 2.5 घंटे की नींद पूरी करके 4 बजे उठकर नहा धो के रेडी हो चुके हैं जी, लगे सबमिट करवाने जा रहे हैं और उसके बाद आरती की लाइन में लगेंगे। देख सकते हैं जी सुबह के दृश्य भवन से, ये 5 नंबर गेट से लाइन जा रही है माता रानी के दर्शनों के लिए। फ्री में अगर आप अटका आरती में बैठना चाहें तो जो लाइन बंद हो जाती है 3 नंबर गेट से, वो होती है 5:20 पर। 5:20 पर जैसे जैसे श्रद्धालु लाइन में लगते रहते हैं, वैसे वैसे करके जो पहले 50 से 51 श्रद्धालु होते हैं उन्हें अटका आरती में फ्री में बिठाया जाता है। कोशिश हम भी करेंगे कि हमारा नंबर कम से कम पहले 10 बंदों में आ जाए ताकि हम भी महामाई की आरती में शामिल हो पाएँ। चलिए लगे सबमिट करवा के आपसे फिर अब आरती के बाद ही कनेक्ट करेंगे। इस तस्वीर में आप महाकाली, महालक्ष्मी एवं महा सरस्वती जी के पिंडी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। ना चिंता ना भय, माँ भगवती की सदा ही जय। तो ये दोस्तों एक बार फिर से हर महीने की तरह माँ भगवती जी की अटका आरती में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। सुबह सुबह हड़बड़ी में एक भाग्य थे कि कहीं लेट ना हो जाए लाइन में लगने के लिए, तो बस 4:55 पे हम लाइन में लग गए थे 3 नंबर गेट पे, और 5:15 लाइन बंद हुई। उसके बाद जो पहले 50 श्रद्धालु थे उनको फ्री में माता भगवती की अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक श्रद्धालु थे उनको नारियल प्रांगण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, माँ भगवती जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। इधर अपना छोटा भाई, इसे भी इतने टाइम बाद आया और सीधा माता रानी जी की आरती में बैठने का मौका मिला। रात में नाइट में हमने स्टे इसीलिए किया था कि ये चाहता था कि हम मॉर्निंग में आरती अटेंड कर पाए, और माँ भगवती जी की अनुपम अनुकंपा से माता रानी जी की अटका आरती में हम शामिल हो पाए। डोरमेट्री अपना खाली कर दिया है, थोड़ा बहुत सामान पड़ा था उधर लॉकर में डोरमेट्री वाले, वो भी निकाल के ले आए हैं, और रात में 12:30 बजे डोरमेट्री मिला था, सुबह 4 बजे समझ लो 4:15 बजे हमने वैसे खाली कर दिया था आरती में जाने के लिए। अभी आधा घंटा रेस्ट करके आए हैं, और सामने देखिए जी, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र भवन जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी। और वो देखिए पहाड़ी के उच्च शिखर पर है हनुमान जी विराजमान। अगर आप कभी वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो आप इस पहाड़ी को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, आपको यहाँ पर हनुमान जी का आकार जरूर दिखाई देगा। ब्रेकफास्ट ग्रहण करते हैं और उसके बाद आपसे ज्वाइन करेंगे। रोपवे की लाइन देख पा रहे होंगे आप सभी, ये काफी लंबी लाइन लगी हुई है रोपवे की, तो हमने सोचा कि हम जाएंगे पैदल,
पैदल पहुंचेंगे भैरो घाटी और फिर हम उतर जाएंगे सांझी छत वाले रास्ते से। मुंडन शॉप के बाहर सभी यात्री वेट कर रहे हैं जी। जिन्होंने भी यहाँ पर मुंडन करवाना होता भवन पर आकर वो यहाँ पर मुंडन करवाते हैं। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर रह गया जी भैरव घाटी। भैरव घाटी पहुँचेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और फिर आपको सांझी छत वाले रूट से होकर वापस ले जाएंगे कटरा में। दोस्तों भैरव घाटी तक जाने के लिए आप घोड़े खच्चर या फिर पिट्ठू पालकी की सुविधा ले सकते हैं। 400 रुपये घोड़े का शुल्क लगता है। हालांकि आप रोपवे की फैसिलिटी भी चूज़ कर सकते हैं, रोपवे की आप ऑनलाइन टिकट भी करवा के आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हम बढ़ रहे हैं पैदल ही भैरव घाटी की तरफ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि हम तकरीबन तय कर लेंगे 25 से 30 मिनट में। 10:25 हुए हैं और टारगेट रहेगा कि 11 बजे से पहले हम दर्शन कर लें भैरव बाबा जी के। पिछले महीने की अगर आपने यात्रा देखी हो तो आप सबको पता होगा कि इस वाले रास्ते पे लगभग 2-2 फीट 3-3 फीट बर्फ़ गिरी हुई थी। और अभी हम आए हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। वो तो ऑब्वियस है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो यहाँ पर बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी। वो मुश्किल से 5-7 दिन टिकी थी बर्फ़। और काफ़ी लोग मेरे को ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया अगर अब हम वैष्णो देवी आ रहे हैं आने वाले महीनों में और नत्था टॉप जाएँ तो वहाँ पर हमें बर्फ़ मिलेगी या नहीं। तो वहाँ पर भी बर्फ़ नहीं मिलने वाली है जी आपको अगले कुछ दिनों के बाद। ऐसा है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं प्रॉपर। दिन में तो गर्मी रहती है, रात में ठंडक होती है। तो जितनी भी बर्फ़ है आसपास के इलाकों में अभी के लिए पिघल चुकी है। तो अगर आप नत्था टॉप की वीडियो देखना चाहो कि आप नत्था टॉप कैसे जा सकते हैं कटरा से वैष्णो देवी जी के दर्शनों के बाद, तो आई बटन पर यहाँ या यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा किसी एक साइड में, चेक ज़रूर कीजिएगा। नत्था टॉप की सारी डिटेल्स दी गई हैं। और बढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियों के मार्ग से भैरव घाटी की ओर। तो लास्ट सीढ़ियाँ रह गई है जी जो कि होने वाली हैं 262। जय माता दी। इस समय हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी में। सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर बताएंगे कि यहां पर आपको फ्री भंडारा कहां पे मिल सकता है और दिखाएंगे दृश्य आपको भैरव घाटी का। बोलिए भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। तो दोस्तों भैरव घाटी में श्री भैरव लंगर भी आपको देखने को मिलने वाला है जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा रन किया जाता है। लंगर की टाइमिंग्स होने वाली है 7:00 से लेकर 3:00 और 4:00 से लेकर 12:00 तक। और सामने है जी लंगर हॉल, काफ़ी बड़ा लंगर हॉल है जहाँ पर ये सारा भंडारा चलता रहता है जी। श्रद्धालुओं के लिए पूरी निःशुल्क सुविधा है जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। तो ये जो लंगर हॉल है इसे रिसेंटली बनाया गया है, 2-3 महीने हो गए हैं इसे बनाए हुए और सभी श्रद्धालु आनंद मान रहे हैं जी इस लंगर हॉल का। दर्शन कर लिया जी और एक बार फिर से भैरव घाटी को बादलों ने घेर लिया जी, काले बादलों ने। हल्का हल्का अनुमान लग रहा है कि बारिश हो सकती है आज और आने वाले इस हफ्ते में भी। और ये देखिए जी भैरव घाटी से माता रानी जी के पवित्र भवन के दर्शन कीजिए। जय माता दी। और आपको यहाँ से दिखाते हैं जी 5 पांडव जहाँ पर हम नवरात्रि में फिर से जाएंगे एक बार। यह जी सामने 5 पांडव शिला जहाँ तक हम यात्रा करके पहुँचते हैं। और ये है जी भैरव घाटी का ताज़ा दृश्य। जय हो। वापस कटरा की ओर हम निकल रहे हैं। देख सकते हैं इस बार सांझी छत वाला रूट पकड़ा है नीचे जाने के लिए। भैरव घाटी से हम जा रहे हैं इस रूट को पकड़ के सांझी छत। सांझी छत से पहुँचेंगे अर्धकुआरी और फिर अर्धकुआरी से पहुंचेंगे कटरा। एक लोकर्स का अपडेट देना चाहूँगा आप सभी को, जैसा कि जो रिसेंटली यात्रा करके गए उनको पता होगा लोकर नंबर 3 बंद है। लेकिन जब ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है तब लोकर नंबर 3 को ओपन करते हैं, जैसे कि नए साल पे किया था। तो काफ़ी लोगों को लोकर नंबर 1 का जो प्रबंध है वो अच्छा नहीं लगता है।
तो आप यार ऐसा कर सकते हो, डोमिनोज के सामने जो लॉकर है उसमें आप लॉक करके जा सकते हो, चाबी आपके पास रहती है उस लॉकर की, तो बंदे को थोड़ी सी संतुष्टि रहती है अंदर से, उस लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आप कालिका भवन में जाकर 70 रुपये की पर्ची कटवा रहे हो नहाने की, तो आपको वहाँ पर भी 4 नंबर में लॉकर मिल जाते हैं। तो वो 70 रुपये की टिकट का आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपको नहाने के लिए पर्सनल वॉशरूम मिल जाएगा, गर्म पानी होता है, गीज़र होता है, साथ में टॉयलेट्स होते हैं, और साथ ही साथ आपको 4 नंबर वाले में लॉकर में लॉकर भी मिल जाएगा। जय माता दी। आशा करता हूँ कि आप वीडियो में बने हुए हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। बने हुए हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो बाकी सभी यात्रियों को भी सजेस्ट हो पाए। भागते भागते जी इस समय हम पहुंच गए हैं सांझी छत में। देख सकते हैं आप, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया, आप सब देख पा रहे होंगे। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है जी श्राइन बोर्ड के द्वारा, रोपवे वाला, कटरा से जो सांझी छत तक रोपवे श्रद्धालुओं को लेकर आएगा, वो यही जगह है। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा आपको हल्का सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर आप रोपवे में उतरोगे, और फिर ये वाला रास्ता पकड़ कर आप भवन पर प्रस्थान कर पाओगे। जय माता दी। तो आप जब भी साइन छत वाले रास्ते पे आते हैं, तो इस काउंटर पे आप प्रसाद ज़रूर ग्रहण किया कीजिए, हलवा प्रसाद होता है जी श्रद्धालुओं के लिए। और हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं अर्धकुंवारी की तरफ। दोपहर के हुए हैं जी 12:37 और इस समय हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी में। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है जी, सांझी छत से ही शुरू हो गई थी हल्की हल्की बारिश पड़नी। और देख सकते हैं कल आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप अर्धकुंवारी का ताज़ा दृश्य। यहाँ पर माँ अर्धकुंवारी जी को शीश निभाते हैं और कटरा के लिए प्रस्थान करते हैं। जय माता दी। भाई साहब चरण पादुका पहुंच गए हैं। मौसम बहुत तगड़ा खराब हो चुका है, देख सकते हैं बारिश किसी भी समय गिरने वाली है। 450 सीढ़ियां हैं जो कि पार करके हम जल्दी से जल्दी बाणगंगा पर पहुंचते हैं। जय माता दी। देखो जी बारिश हो गई है तेज, और इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं बाणगंगा में। तेरी मुरली ते। तो ये दोस्तों फाइनली कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं यात्रा संपन्न करके अपनी, और अब हम बढ़ेंगे जम्मू मेल पकड़कर जलंधर की तरफ। आशा करता हूँ वीडियो में जितनी भी जानकारी दी है आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप सबको सारी जानकारी समझ आई होगी। प्राचीन गुफा के बारे में ये अपडेट देना चाहूँगा कि वैसे तो प्राचीन गुफा होली के बाद, मतलब होली के दिन बंद कर दी जाती है, लेकिन इस बार प्राचीन गुफा को 2 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया, और अब प्राचीन गुफा से किसी को भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। अटकारती में फ्री में बैठना चाहते हो तो अगर अभी भी प्रोसेस समझ नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। बाकी यात्रा इस बार की बहुत अच्छी रही। ये देखो जी पीछे आ रहा प्रभाई। जय माता दी। जय माता दी। और यात्रा बहुत अच्छी रही इस बार की। आशा करेंगे कि महामाई हर महीने हमें ऐसे ही निरंतर बुलावा भेजती रहे। और इसी के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन लिखिए जयकारा माँ शेरा वाली जी का, बस आज दरबार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम बाय बाय।